जय जगन्नाथ। नमस्कार, मी एंड माय विलेज चैनल को आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। फूल रचिया आम कालिया ठाकुर पाखे के फूल पत्र लगे होता है के फूल और पत्र लगे हो न था आसतु आज आम जाना। श्रीजगन्नाथ पाखे साधारणतः ऋतुकालीन फूल ही लगी कर सुगंधयुक्त फूल आउ धला फूल को सी बेसी पसंद करती। छड़ा दयाणामाण और तुलसीमाला अर्पण कर फूल से श्रृंगार होगा से बहुत पसंद करती। तेणु प्रतिदिन राति 10 बड़ श्रृंगार बेश पुष्प बेश महाप्रभु अनुष्ठित होता है। ताहा से दिन शेष बेश विभिन्न फूल सह तुलसीमाला सजे ही प्रभु शयन कर से पुष्प अलंकार मध्यरे चंद्रिका करपल्लव पुष्पतिलक हृदपदक नाकचणा मकर कुंडल अलक तथा श्रीपूजार पेन्था पेन्था फूलर अलंकार शोभा पाई। तेल यही सब फूल मध्य के फूल महाप्रभु को अर्पण करपण कर आसतु आज जाना। श्रीजगन्नाथ को लगी कर फूल और पत्र मध्य सर्वप्रथम है तुलसी एवं दयणा। दयणा विभिन्न फूल सह गुंथा हुई माल कराए। पद्म होकर सबुठ प्रिय फूल तापर स्वर्ण चंपा काठ चंपा बा चंपक फूल कहुए सुगंधराज गोलाप रजनीगंधा बा निशिगंधा मध्य कहती मल्ली तराट टगर जुई जाई मालती आंब बकुल आंब बौल सेवती धला सेवती मध्य लागी करा जाए था। स्थल पद्म आसला आमर अगस्ती फूल हबिशाणी मैंने कार्तिक मासरे राधा दामोदर व्रत जो करविष अन्न और डालमारे अगस्ती फूल और पत्र को शाग रूप से ही व्यवहार करतापर आसला आमर गेंडु फूल तापर कुंद फूल श्रीजगन्नाथ को अर्पण कर फूल सात्विक गुणयुक्त ही होता है। तापर आसला आमर ब्रह्मकमल एवं बकुल ताले भी आसतु जाना। श्रीजगन्नाथ को के फूल और पत्र लगी हो न थाए। पलाश फूल केवल होली समय रे कदम केवल झूलन यात्रा समय रे अपराजिता और कनियर श्रीमंदिर तांत्रिक प्रक्रिया पालन हुए बोली केवल कार्तिक मास रे ही व्यवहार हुए किंतु कौन सी विष्णु मंदिर रे फूल सब व्यवहार कराए ना। ता छड़ा अरख दुदुरा गयस मंदार और बेलपत्र आदौ श्रीजगन्नाथ को अर्पण कराए ना कारण प्रभु ये सब फूल अंगीकार करती ना। तले ये थी आज मोर वीडियो आपण मन को जदि भल लगी थाए तले लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। से विदाय ने धन्यवाद। जय जगन्नाथ।